एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चालू प्रिंसी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दे रहे होंगे। गाइज, अभी मैं जा रही हूँ कुछ चीजों की शॉपिंग करने। मैं पहले भी वहां का वीडियो शूट कर चुकी हूँ, बट इस बार जो मैं खरीदने जा रही हूँ ये बहुत ही खास ओकेजन के लिए खरीदने जा रही हूँ, जिसके कि इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। मेरे लिए बहुत ही खास ओकेजन है, बहुत ही खास दिन है और बहुत ही खास सेलिब्रेशन है। तो आप लोग पहले गेस कीजिए कि वो ऐसा दिन क्या है और मुझे कॉमेंट में बताइए। फिलहाल मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहना है येल्लो टी शर्ट विथ डेनिम्स, सिंपल लुक। तो चलिए चलते हैं और खरीदारी शुरू करते हैं। सो गाइज, हम आ गए हैं डी मार्ट और अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी है। सो चलिए चलिए अंदर चलते हैं और शॉपिंग शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं और शानवी डी मार्ट के अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बड़ी अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, इसलिए मैंने अपने बालों को बांध लिया, आप देख सकते हैं। और गाइज, आज डी मार्ट में भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, आप देख सकते हैं। पार्किंग एरिया टोटली फुल है, बाइक स्कूटी कार सभी एरिया फुल हैं। और यहाँ पर मैं और शानवी अंदर की ओर जा रहे हैं। और आज डी मार्ट जाने में मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना गाइज, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। जो आने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, हमने लिया है ढेर सारा कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल, क्योंकि गर्मी का दिन है और अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो इसकी तो बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और यहाँ पे मैंने शानवी को, आनंद को थमा दिया है, उन्होंने ट्रॉली हैंडओवर कर दिया है उन्हें। और यहाँ पे डीमार्ट में काफी ज्यादा चीजें आई हुई हैं। और यहाँ पे देखिए गाइज, मैं यहाँ पे शानवी को थोड़ा टाइम टू टाइम प्यार भी कर रही हूँ और अपनी चीज़ें भी लेती जा रही हूँ। गाइज, यहाँ पे कटलरी और बाकी सारी चीजें बहुत ही अट्रैक्टिव थी गाइज, लग रहा था सारी ही ले लूँ। सो गाइज, हम आ गए घर और हमने लिया है भर भर के सामान। क्यों लिया है, किस लिए लिया है, ये आपको आने वाले व्लॉग्स पता चलेगा गाइज। और आने के बाद मैंने बना लिया चपाती, दिन में मैंने बनाए थे छोले, तो आज मैं खाऊंगी छोले, रोटी और अनियन। आनंद ने खाना खा लिया है और वो अपना काम कर रहे हैं। मैंने अपना डिनर ले लिया है और अब मैं कर रही हूँ अपना डिनर। तो मिलती हूँ मैं डिनर करने के बाद। सो गाइस, कल हमें आने में काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था, तो उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। और ये है अब नेक्स्ट डे गाइस, नेक्स्ट डे में भी मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया। अभी हो रहा है शाम का वक्त और अभी हम फिर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, तो हम उसी के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो अपने व्लॉग को भी कंटिन्यू किया जाए। और ये व्लॉग काफ़ी दिनों से नहीं कहेंगे, कल से चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसको कंक्लूड कर दिया जाए आज। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने सिंपल सा वही टी शर्ट और डेनिम पहना है। मुझे थोड़ा बहुत अगल बगल जाना होता है, थोड़ा आसपास में जाना होता है, तो मैं सिंपल सा ही पहनना पसंद करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, हम आ गए बाहर से और हमने जो जो लेना था ले लिया है, बट हम इस चीज़ को सरप्राइज रखेंगे, क्योंकि आपको आने वाले व्लॉग में पता चलेगा कि हमने क्या लिया है, किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है गाइज, और बहुत लोग आप लोग गेस कर भी सकते हो कि क्या है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। आते वक्त रास्ते में आनंद ने चिकन लिया था, तो अभी वो चिकन कुक कर रहे हैं, तो आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। सो गाइज, यहाँ पे राइस के लिए पानी रख दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन के लिए अनियन फ्राई हो रहा है और यहाँ पे चिकन मैरिनेट होके रखा हुआ है। तो आज हम खाएंगे चिकन, क्योंकि हमारे घर में आनंद को और मेरी बेटी को चिकन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम मोस्टली चिकन ही बनाते हैं। और आज हमारा है चिकन पार्टी और आज भी मुझे किचन से मिली है छुट्टी, आनंद चिकन बना रहे हैं। तो अभी मैंने जैसे दिखाया, अभी चिकन प्रोसेस में है, अभी एक सवा घंटा लगेगा, तो तब तक वेट करते हैं, जब बन जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइस कुक हो रहा है और यहाँ पे आपको चिकन दिखाते हैं। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है गाइज, आप कलर देख सकते हो। और मेरे हस्बैंड चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, तो जब भी चिकन आता है तो चिकन का डिपार्टमेंट इन्हीं का होता है, मैं किचन में नहीं आती। और यहाँ पे भी राइस बॉयल हो रहे हैं गाइस, जो कि 10-15 मिनट में हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमने डिनर कर लिया है और बर्तन वर्तन जो भी किचन क्लीन करना था सब चीज़ हो गया है गाइज। ये व्लॉग कल से चलता हुआ आ रहा, तो मैंने सोचा कि चलो इसको एंड अप करूँ और फिर इसके बाद न्यू व्लॉग की शुरुआत करूँ। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो डैट मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।